दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड केवी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट H410 मदरबोर्ड्स के बारे में, जो कि इंटेल 10th जनरेशन पे बेस्ड है 1200 सॉकेट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल के 10th जनरेशन बेस्ड मदरबोर्ड्स के बारे में, H410 के बारे में, और इनमें से कौन सा यहाँ पर अच्छा है और कौन सा यहाँ पर वर्थ करता है। क्योंकि मैंने रिसेंटली हमेशा AMD के मदरबोर्ड्स के बारे में बताया है और वीडियो भी उन्हीं के बारे में बनाई है, इंटेल को मैंने कवर नहीं किया। तो आज हम इंटेल को भी कवर कर लेते हैं और बेस्ट मदरबोर्ड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं H410 सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों जो भी लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मैं आपको H410 के भी लिंक दे रहा हूँ और B460 के भी लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, जो यहाँ पे बेस्ट है और जो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं और जिसके स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम मदरबोर्ड कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे दो है, एक ASUS के तरफ से आता है और दूसरा यहाँ पे MSI का है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले ASUS के प्राइम H410ME सीरीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये सपोर्ट करता है इंटेल 10th जनरेशन कोर प्रोसेसर्स, यानी कोर i3 हो गया, i5, i7 हो गया, और पेंटियम में सपोर्ट करता है गोल्ड सीरीज़ के और सेलरॉन प्रोसेसर्स। तो ये सब वही रहेंगे जो 10th जनरेशन पे बेस्ड है या जिसका सॉकेट है LGA1200 टाइप का। इसमें आपको इंटेल कोर बूस्ट यानी टर्बो बूस्ट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टर्बो बूस्ट 2.0 और 3.0 दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। 2.0 सबके साथ काम करेगा, लेकिन जो 3.0 है टर्बो बूस्ट 3.0 वो उन्हीं के साथ काम करेगा जो यहाँ पे CPUs यहाँ पे कंपैटिबल है। इसमें आपको दो रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं और इसकी जो मैक्सिमम सपोर्ट रैम करता है वो यहाँ पे 64GB का यहाँ पे साइज़ है, यानी आप 64GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हो। और स्पीड की बात करें यानी फ्रीक्वेंसी की, तो ये सपोर्ट करता है अप टू 2933 MHz तक की रैम को। ये इंटेल XMP भी सपोर्ट करता है यानी एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल को। तो आप XMP एक्टिवेट करके हायर फ्रीक्वेंसीज को भी यहाँ पे रन कर सकते हो। डिस्प्ले आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको एक मिल जाता है DSUB पोर्ट और यहाँ पे 1 HDMI 1.4B पोर्ट। स्टोरेज के लिए बात करें तो आपको इसमें 1 M.2 NVMe का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी 1 M.2 स्लॉट है और NVMe भी ये सपोर्ट करता है और M.2 SATA भी ये सपोर्ट करता है। 4 SATA पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप एक नॉर्मल SATA हार्ड डिस्क या SSD लगा सकते हो। अब ऑडियो की बात करें तो इसमें आपको Realtek का ALC887 7.1 चैनल वाला ऑडियो कोडेक देखने को मिल जाता है, और मैं जो PC यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी यही वाला जो यानी जो मदरबोर्ड है उसमें भी यही वाला कोडेक प्रेजेंट है। तो उसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अभी तक मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आए। और हाँ, सराउंडिंग यानी जो सराउंड साउंड सिस्टम है वो भी ये जो Realtek का ALC887 है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करवा देता है। 7.1 को भी ये सपोर्ट करता है, तो यानी आपके पास अगर 7.1 वाले एक हेडफोन्स है तो वो भी आप इसको आराम से इसके साथ इंजॉय कर सकते हो। USB पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें 2 USB 3.2 Gen 1 मिल जाता है और 2 यहाँ पे USB 2.0, यानी टोटल 4 USB पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं ऑन द रियर IO पैनल। बाकी आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इसको, जो मदरबोर्ड में कनेक्टर्स आते हैं USB 2.0 और 3.0 के, उसको लगा के फ्रंट पैनल पे आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक स्पेशल कनेक्टर्स की बात करें यानी जो फ़ैन कनेक्टर्स हो गया RGB, तो इसके बारे में बात करें तो आपको सिस्टम फ़ैन कनेक्टर एक ही मिलता है, बाकी आपको स्प्लिटर या कंट्रोलर बाय करना होगा अगर आप एडिशनल फैंस लगाना चाहते हो। और यहाँ पे कोई भी RGB कनेक्टर प्रेजेंट नहीं है, और जो कि ऑब्वियस भी था भाई, एंट्री लेवल मदरबोर्ड है तो RGB के अभी यहाँ पे चांसेस तो होने भी नहीं वाले। और इसका जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है 5,500 का। तो 5,500 के प्राइस टैग में ये आपको मतलब बहुत ही अच्छे फीचर्स ऑफर कर देता है, और इंटेल के थोड़े प्राइजी होते हैं मदरबोर्ड्स कंपेयर टू AMD, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे आपको M.2 दे रहा है। और यहाँ इसका जो VRM सेक्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू बाकी GigaByte वाले H410 हो गया, और MSI का भी VRM अच्छा है, लेकिन जो इसका है ना ASUS Prime H410 का वो बहुत ही कमाल का है। अब हम बात कर लेते हैं MSI के बारे में, MSI का H410M Pro मदरबोर्ड का, और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और बाकी B460 का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये भी इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड है, तो ये भी 10th जनरेशन सपोर्ट करता है पेंटियम गोल्ड और सेलरॉन को भी ये सपोर्ट करता है। ये वाला मदरबोर्ड भी इंटेल के XMP प्रोफाइल को सपोर्ट करता है।
इसमें भी आपको दो रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं और आप जो मैक्सिमम मेमोरी को अपग्रेड कर सकते हो वो है यहाँ पे 64 GB तक। तो 64 GB तक आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो ईजिली। अब इस वाले जो मदरबोर्ड है इसका नाम ही प्रो है, तो इसमें आपको कुछ प्रो फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एक M.2 मिल जाता है स्पेशल ई टाइप वाला, जो सिर्फ वाईफाई मॉड्यूल्स के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक यहाँ पे M.2 स्पेशली आपको वाईफाई मॉड्यूल के लिए मिल रहा है। डिस्प्ले आउटपुट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको सभी टाइप के मिल जाते हैं। आपको इसमें 1 DVI मिल जाता है, 1 VGA मिल जाता है और एक यहाँ पे HDMI 1.4 देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 SATA पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी जिसके मदद से आप यहाँ पे 4 हार्ड ड्राइव्स या 4 SSDs को लगा सकते हो SATA वाली। और यहाँ पे आपको एक M.2 NVMe का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, यानी M.2 स्लॉट है जो NVMe और SATA दोनों को यहाँ पे सपोर्ट करता है। इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो कोडेक मिल जाता है ऑडियो का, वो यहाँ पे Realtek का ALC892 वाला है और ये भी 7.1 को सपोर्ट करता है। और इसके बारे में बात करूँ तो ये वाला कोडेक जो है जो ASUS के मदरबोर्ड में आते हैं उससे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और थोड़ा यहाँ पे बेटर है। हालांकि दोनों ही सिमिलर है लेकिन थोड़ा ये न्यूअर वर्जन है, अपग्रेडेड है, तो यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स होने भी बनते हैं। अब इस वाले मदरबोर्ड के हम कनेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है 1 सिस्टम फैन कनेक्टर और इस वाले मदरबोर्ड में आपको RGB का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी ये सपोर्ट करता है 1x4 पिन RGB हेडर या कनेक्टर को। और एक और यहाँ पे RGB कनेक्टर है जो कि है 1x3 पिन रेनबो LED कनेक्टर को, यानी जो आपके AMD के स्टॉक कूलर्स आते हैं। हालांकि इंटेल मदरबोर्ड है तो इंटेल में तो कोई स्टॉक कूलर आता नहीं वैसा, लेकिन अगर आप कोई आफ्टर मार्केट कूलर परचेस करते हो जिसमें आपको LED मिल जाती है या उसके फ़ैन में है तो आप इसको लगा सकते हो, या जो नॉर्मल रेनबो फ़ैन आते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना कि ये 3 पिन ही लगता है, इसमें 4 पिन वाले नहीं लग सकते क्योंकि RGB वाले एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते, यानी सिंगल LED RGB मल्टीपल LED RGB को नहीं सपोर्ट करता, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब ये प्रो मदरबोर्ड है, H410 सीरीज का भी क्यों ना हो लेकिन एक्सपेंसिव भी होना बनता है, और एक्सपेंसिव रहेगा तो यहाँ पे आपको और एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गया ईजी डिबग LED का सपोर्ट जो कि मेरे MSI के मदरबोर्ड में भी प्रेजेंट है, जिसमें आपको बूट यानी आपका जो स्टोरेज डिवाइस हो गया वो, VGA यानी ग्राफिक कार्ड, CPU यानी प्रोसेसर और जो RAM है उसकी यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है डीबग की, जिसमें प्रॉब्लम होगा वो वाली लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगी या स्टैटिक मोड में रहेगी। USB पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको भर भर के USB पोर्ट मिल जाते हैं। आपको 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स मिल जाते हैं, 4 आपको इसमें USB 2.0 के 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी 4 दोनों को हम टोटल करें तो यहाँ पे 6 USB पोर्ट्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। डब्बा खोला और मदरबोर्ड आपने इंस्टॉल किया तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स 6 USB पोर्ट्स का सपोर्ट और प्लस एडिशनल यहाँ पे फ्रंट पैनल कनेक्टर्स, तो यानी टोटल आपको 8 पोर्ट्स हो जाएंगे आपके पूरे सिस्टम में। अब इतने सारे इसमें प्रो टाइप के फीचर्स थे और एक और फीचर है वो ये है कि इसमें आपका जो ग्राफिक कार्ड का यानी जो PCI स्लॉट होता है 16 वाला, उसमें आपको यहाँ पे आर्मर्ड स्टील यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यानी इसका जो VGA यानी यहाँ पे जो VGA स्लॉट है या PCI लेंस वाला जो PCI स्लॉट है वो यहाँ पे आर्मर्ड है, यानी स्टील प्रोटेक्टेड है, स्टील टाइप का है और यहाँ पे तो ये आपको ग्राफिक कार्ड को बेंड होने से प्रोटेक्ट करेगा और हैवी से हैवीएस्ट ग्राफिक, उतना भी हैवी नहीं लेकिन हाँ एक हैवीएस्ट ग्राफिक भी आप इसमें लगा सकते हो, हैवीएस्ट ग्राफिक कार्ड। प्राइसिंग भी प्रो वाली ही होने वाली है, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो फ़िलहाल Amazon पे 6,900 रुपीज़ का है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो या बाय भी कर सकते हो। और जो ASUS का लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो प्राइम ABCB पे अवेलेबल है एकदम बेस्ट प्राइसिंग पे। Amazon पे आएगा तो उसका भी लिंक डाल दूंगा, B460 वाले मदरबोर्ड्स का भी जो बेस्ट है वो मैं डाल दूंगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन अगर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी H410 कौन सा है इन दोनों में से, तो वो है यहाँ पे ASUS प्राइम H410 मदरबोर्ड। फॉर द प्राइस 5,500 रुपीज़ ASUS प्राइम H410 मदरबोर्ड विंस, क्योंकि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में वही आता है। 7,000 रुपीज़ पे करना एक H410 बेस्ड मदरबोर्ड के लिए बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आप 2,000 और डाल के एक B460 ले सकते हो, 2-3 हज़ार और डाल के B460
जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपको उसमें थर्मल गार्ड भी मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पे जो हीट सिंक है उस पर VRM पे हीट सिंक भी मिल जाएगी, और यहाँ पे एक B460 होने का फ़ायदा। तो हो सकता है फ्यूचर में आप यहाँ पे जो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स हैं उनको ओवरक्लॉक भी कर पाओ। चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर करना, और अब अगर अभी भी मन में कुछ डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है, मदरबोर्ड कंपैरिजन देखना है और PC रिलेटेड कंटेंट देखना है, तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।